बाबूजी, ये उनका खाना है। अच्छा, वो मुंशी ले जाएगा। मुंशी जी, मुझे तो रामपुर जाना, ये नरेश का खाना तुम लेते जाना। ठीक है बाबूजी, मैं तो जा ही रहा था, मैं लेता जाऊंगा, आप कहना सुखी रहना। आइए छोटे बाबू, रोटी खाइए। अरे नहीं नहीं, ये क्या? अरे नहीं नहीं, कैसे? फूली फूली रोटी, लाल मिर्च की चटनी और छाछ। तुमने इतनी जल्दी बना भी लिया? अरे अगर काम की इच्छा हो ना छोटे बाबू, तो देर नहीं लगती। अब नाश्ता ले आ। नाश्ता बनने में अभी थोड़ी देर है। मुझे अभी जाना था, नाश्ता दो। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। घर की सफाई करूँ या नाश्ता देखूँ? कितनी बार कह चुकी हूँ एक नौकरानी रख लो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? क्या सोचने लगे छोटे बाबू? वो छोटे बाबू, कट्टों से अपनी मन की बात छिपाना बहुत मुश्किल है। हमने तो आपका चेहरा देख के पहले ही पता लगा लिया था। किस बात का? कि आज आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और अब हमसे ये ना पूछना कि हमें ये सब कैसे पता चला, क्योंकि हमें ये बताना बार बार अच्छा नहीं लगता कि कट्टो आठवीं पास है। बड़ी जल्दी समझ गए छोटे बाबू, और क्यों ना समझते, मेरी तरफ पढ़े लिखे जो ठहरे। क्या हुआ छोटे बाबू, खाना स्वाद नहीं बना है? अरे नहीं, ये तो गजब का बनाया तुमने। तो इसी बात पे एक रोटी और। अरे नहीं, सिर्फ एक रोटी। ये लीजिए छोटे बाबू। नहीं छोटे बाबू, मैं आपसे जिद नहीं करूंगी। और एक बात आप याद रखना, कट्टो बहुत कम लोगों की खुशामत करती है। हाँ अम्मा, छोटे बाबू अम्मा का खाना तो मैं ले आया हूँ, और साफ कहना सुखी रहना। अरे भाई मुंशी जी, खाना तो हमने खा लिया। और तो फिर, और इस खाने का केक रूम है? इसका उसे दे दो राजेश को, वो खा लेगा, और उसके साथ एक दो लोग हैं, वो खा लेंगे। और चलो वहाँ दे दूंगा, साफ कहना सुखी रहना। अम्मा जी, कहाँ हो अम्मा जी? अम्मा जी, राम राम। राम राम बेटी। पहचाना अम्मा जी? नमस्ते। जान पहचान तो होती रहेगी। पहले आप ये बताओ, आपकी कमर का दर्द कैसा है? जाता ही ना है, बहुत इलाज करा लिया। अब ठीक हो जाएगा, अब हम जो आ गए हैं। पर तो है कौन? खूब ध्यान से सोचो अम्मा जी, देखे अम्मा जी कब तक कट्टो को ना पहचान पाती है। अच्छा तो तू कट्टो है। अम्मा जी, हम तो खाने का डिब्बा लेके आए थे खेत से। खाना खा लिया नरेश ने? छोटे बाबू ने तो डिब्बा आने से पहले ही खा लिया था। कहाँ खाया उन्होंने खाना? खेत पे, हमने बनाया था। खेत पे? अब घर का खाना छोड़ के नौकरों के यहाँ खाने लगे, उन्हें कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल रखना चाहिए। अरे छोड़ ना, खा लिया तो खा लिया। अम्मा जी, ये बहुरानी है ना? तुझे कैसे पता चली? ऐसी सुंदर सुशील और कौन हो सकती है? और बता, तेरी मौसी ने कैसे छोड़ दिया तुझे? अरे नहीं अम्मा जी, मौसी जी ने हमें ना छोड़ा, वो तो बापू यहाँ रह करके बिगड़ गए। छगन मगन भैया की सोबत में पड़ के दारू पीने लगे। बस तो हम चले आए उनकी दारू छुड़वाने के लिए, और उनकी रोटी पानी का ध्यान रखने के लिए। अरे तूने अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, बैठ चाय पी के जा। अरे नहीं अम्मा जी, 6 बजने वाले हैं, मुझे जाना है। पर क्यों? शाम होते ही चाचा भतीजे बैठ जाते हैं, दारू का अखाड़ा शुरू होने से पहले पहुंचना है। पर चाय तो पीती जा। अरे फिर कभी अम्मा जी, मेरी चाय चड्डू रही। और छोटी बहू रानी ते तो मैं बाद में मिल लूंगी, ये साग बढ़ा लेना। राम राम। राम राम। बिल्कुल ना बदली, वैसी की वैसी ही है। भाई छगन मगन, अरे इससे पहले कि कट्टू हवेली ते आवे, इससे पहले कि उसका डंडा लहरावे, इससे पहले कि वो प्रवचन सुनावे, हमें संध्या वंदन शुरू कर देना चाहिए। Thank you.
बोतल रहेगी या मैं? कट्टो कट्टो बोतल ना तोड़, कट्टो बोतल ना तोड़, कट्टो भरा सिर फोड़ दे, मारी टांग तोड़ दे, बोतल तोड़। तुम तीनों रोजाना 100 रुपए की दारू पीते हो, अगर ये पैसे बच जावे ना तो महीने में 3,000 और साल में 36,000 हो जाएं, समझे? तुम्हारे काम आएंगे, पियेंगे दारू। चाचा बड़ी जल्दी हिसाब लगा लिया कट्टो ने। 8वीं पास है कट्टो, 8वीं। भाई छगन एक बात है, है? कट्टो कहवे तो ठीक है, और जो हम दारू पीना छोड़ दें तो साल में 1,000 बचावे, 1,000, और 2-4 साल में लखपति हो जावे, और 20-25 साल में करोड़पति हो जावे। करोड़पति, करोड़पति तो हो जावे इसी खुशी में। छोटे बाबू 2 दिन से कहाँ रहे? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या तबीयत ठीक नहीं है? अरे मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। छोटे बाबू आप यहाँ पे लेट जाइए। अरे नहीं नहीं आप लेटे रहिए। क्या हुआ है तुम्हें? बुखार लग रहा है मुझे। बुखार नहीं है, थोड़ी सी हरारत है, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेना। Thank you.
अब मैं ठीक हूँ, चला जाता हूँ। आप आज यहीं रह जाओ। फोन कर देता हूँ। फोन भी बिजी जा रहा है। छोटे बाबू ना ना उठिए ना। ना मेरा मन नहीं है। उठिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बस एक और, नहीं एक और। जाओ तुम अब अंदर सो जाओ, जाओ। आप भी कैसी बात करते हैं छोटे बाबू, आप यहाँ बुखार में इतने तड़प रहे हैं तो भला मैं कैसे सो सकती हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना मैं आवाज लगा लूंगा, जाओ। आपने मुझे आवाज दी और मुझे ना सुनाई दिया तो? ये पानी रखा है, जब प्यास लगे तो पी लेना। सुनो। क्या है? आज तुम बाहर ही सो जाओ। तुम बेडरूम में नहीं सो सकते हो? वहाँ मुझे बहुत बेचैनी सी हो है। और मुझे बाहर बहुत परेशानी होती है। छोटे बाबू अब तबीयत ठीक है? हाँ। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं मैं घर जाऊंगा, मुझे बहुत बदबू सी आ रही है।
अरे चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अरे बापू, तुम तो ऐसे आ गए, ना तुमने चाय पी ना कुछ खाया। बाद में पी लेंगे। अरे अरे क्या हो गया भैया? अरे फावड़ा लग गया। फावड़ा देख के चलाया करो, माना कि काम अपना है पर ये शरीर भी तो अपना है। क्या हुआ? इंदर के फावड़ा लग गया पाँव में बाबूजी। अरे चोट ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ बाबूजी, चोट तो लग गई है पर मैं लेप लगा दूंगी, सही हो जाएगा। चलो इसे ट्यूबवेल पे लेके चलो। ठीक है, ले जा बेटा। दारी, माँ की ममता भी रूप बदल बदल के ही आवे। मैं समझा नहीं बाबूजी। जिस दिन से कट्टो खेत पे आई उस दिन तक खेतों में भी रौनक आ गई। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है गिरधारी, ऐसे कट्टो भी सारे मजदूरों का ध्यान रखती है। बाबूजी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ तो ठीक कह रहा गिरधारी। अच्छा तो चौधरी साहब, सुमन बिटिया की शादी है 12 दिसंबर की, भाई बधाई हो। धन्यवाद चौधरी साहब, लेकिन सभी को आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब आएंगे। शाली और आपको भी आना साडू साहब। मेरी तो भाई 12 दिसंबर की मीटिंग है जरूरी, मैं तो शायद। ऐसे नहीं चलेगा कुंवर साहब, आपको एक हफ्ता पहले आना है शालिनी के साथ। बहुत दिन हो गए आपसे अच्छी तरह बात भी ना हुई, इस बहाने आपसे बात तो हो जाएगी। लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है। हाँ कई दिन से बुखार है मुझे। और चोल साहब, सामान वामान ठीक हाँ, आ गया? हाँ, जी हाँ, ब्याह की पूरी तैयारी हो रही है। तुम्हें वहाँ से उठकर इस तरह उठकर नहीं आना चाहिए था, और ना ही वहाँ पे इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। देखा नहीं जीजा जी कितनी रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखो 12 तारीख को बैंक के साथ मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और उसमें बहुत कुछ डिसाइड होना है। शादी में तो तुम, पिताजी, माँ वगैरह सब जा सकते हैं। ये तो ना जाने के बहाने हैं। और वैसे तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम पर? खेत में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? आजकल खेत में बहुत जाने लगे हो तुम, खेत में बाद में भी तो जा सकते हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, शादी में दामाद का होना जरूरी होता है। बड़ा दामाद पी के है तो सही, वो अपनी जगह है। छोटे बाबू, रिश्तों से ज्यादा अहमियत उसे निभाने की होती है। सुख हो या दुख हो, सभी को अपनों के आने की उम्मीद होती है। आखिर तू कहना क्या चाहती है? छोटे बाबू, घरेलू मामलों में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कायदे की बात जुबान पे आ ही जावे। आपके ना जाने से वहाँ बहुत लोगों को दुख हो सकता है, और किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं होती। यानी मुझे शादी में जाना चाहिए? हाँ राजेश। हाँ यार एक प्रॉब्लम है। हाँ 12 तारीख की है ना वो शालिनी की बहन की शादी है और मुझे उसमें जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तू है ना वो 12 तारीख का अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दे, या तुम चले जाना वहाँ। हाँ ओ थैंक यू, ओके। क्या देख रही है? देख रही हूँ ये चले कैसे। 8वीं पास कट्टो को ये भी नहीं पता है चले कैसे? अरे स्कूल में ये सब कहाँ सिखावे हैं। अच्छा चलानी है? हाँ मुझे सिखा दोगे? हाँ आओ। अरे उठो, चोट तो नहीं आई तुम्हें? अरे हमें तो छोड़ो, आप तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक। हे भगवान, हम कभी बाइक ना सीखेंगे। आप बाबूजी से मत कहना, बस इसे ठीक करा लेना, राम कसम हम पैसे दे देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात। ये सब पसंद नहीं मुझे। अरे दिलावर ऐसा कुछ ना है। ये तुम शादी की तारीख तय करवाओ। Oh!
ले, ये ले, ये ले, करो चोरी, आओ। ये किसने हिमाकत की? मुंशी जी, इसमें तुम्हारी भी कमी है, लापरवाही है, इसलिए तो इसका नाजायज फायदा उठाया गया। अब क्या बोल लूं बाबूजी? गोदाम का ताला बंद और ताली मेरी जेब में और नौकर कोई है नहीं। मेरे सौरों ने ताला तोड़ लिया दिखे और साहब कहना सुखी रहना। पता करो ये किसकी शरारत है। और आज कट्टो ना होती ना, आज रात वो काम होता जो कभी नहीं हुआ था। और हाँ, ये सारी बोरी गोदाम में रख देना, और गोदाम में रखने से पहले इनकी गिनती करवा लेना, समझ गए? चलो रे, उठाओ ये बोरी और गिनती करके मुझे बता दियो। साडू साहब, आप यहाँ बैठे हुए हो और हम आपको सब जगह ढूंढ रहे हैं। नमस्कार जी। अरे नरेश जी, कुछ हो जाए क्या करूँ अब? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाई साहब, मैं पीता नहीं हूँ। आइए, अरे आप आइए। अरे साडू साहब, आज ही देख ले। अरे ये हुई ना बात। भाई साहब आप संभाल लेना, मैं पी पाई नहीं आज तो। साडू साहब, कोई दिक्कत तो ना है? ना, बिल्कुल ठीक। थोड़ा संभल के नरेश जी। ओके ओके। बिंदु नाची या हंड मीना माची माची और बड़ी साली रीना नाची या छोटी साली निशा।
भी चाला करती, यारी ना नाचे डरती डरती, जब मिलकर तम सारी हस्ती फिर गल जा रहा घिसा। आदत है पीकर वो ना गिरते हैं ना बहकते हैं, लेकिन तुमने तो हद कर दी, पीकर पूरा तमाशा बना दिया। तुम्हारी इन उलझुल हरकतों पे क्या घराती क्या बराती सब हंस रहे थे। नहीं, एंजॉय, सब एंजॉय कर रहे थे। प्लीज नरेश, तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं अपनी सहेलियों और बहनों से नजरें नहीं मिला सकी। उनकी नजरें तो मेरी नजरों में अटकी हुई। शट अप, यू शट अप। हमारे लड्डू कहाँ हैं? अरे शादी से आए हो छोटे बाबू, वो भी साली की शादी से। हमारे लड्डू कहाँ हैं? अच्छा छोड़ो, शादी की सुनाओ, शादी कैसी रही? सारा काम ठीक ठाक से निपट गया ना? और खाना पीना कैसा था? नाच गाना कैसा हुआ? तुम नाचे थे क्या? पीने के बाद मैं खूब नाचा। छी, तुमने पी? गंदी चीज है, आप शराब पीते? साडू ने पिला दी ना। छोटे बाबू, जिंदगी में कदम कदम पर धोखे हैं, संभल कर चलना चाहिए। अच्छा छोड़ो, और बताओ शादी की बात, दूल्हा कैसा था? मैं एक बात शर्त लगा के कह सकती हूँ, आपसे सुंदर ना होगा। अच्छा क्यों? छोटे बाबू, आप तो लाखों में एक हैं। अच्छा, और क्या क्या हुआ वहाँ पे? तू बता तन्ने के करा दो दिन तक मौज मस्ती। छोटे बाबू, आपको हमारी याद आई थी, आपका मन लगा था। तेरा लगा था? छोटे बाबू, जब शादी की चहल पहल में आपका मन ना लगा तो भला कट्टो का इस जंगल में कैसे मन लग जाता। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। छोटे बाबू, शादी सा लौट आए। ओहो जोड़ी, साली गैल खूब मजे करे होंगे। हाँ और क्या। अच्छा कौन कौन जा रहे हैं जीजा जी? मैं और तुम्हारी जीजी। कब का प्रोग्राम है? कल का, नरेश को लेके आ जाना, साथ साथ चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों जरूर आएंगे। हाँ नरेश से बात कर लो। ओके बाय जीजा जी। ओके बाय। जीजा जी घूमने जा रहे हैं, उन्होंने हमें भी बुलाया है। सॉरी मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? अरे फुर्सती कहाँ है, उधर फाउंडेशन का काम चल रहा है, उधर बैंक में मीटिंग है। जयपुर जाने के लिए वक्त है, ससुराल जाने के लिए नहीं। जयपुर मैं बिजनेस के पर्पज से गया था, घूमना फिरना तो बाद की बात है। तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? देख नहीं रही कि मैं इंस्टीट्यूट के काम में कितना उलझा हुआ हूँ? तुम कहाँ उलझे हुए हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इंस्टीट्यूट का तो सिर्फ एक बहाना है। क्या मतलब? मेरा मुँह मत खुलवाओ, इंस्टीट्यूट का तो सिर्फ एक बहाना है। साली चिल्लाओ मत। छोटे बाबू, छोटे बाबू, खेतों पे लड़ाई हो गई। छोटे बाबू, छोटे बाबू। कट्टो क्या बात है? वो खेतों पे लड़ाई हो गई है। लड़ाई हो गई किसकी? वो दिलावर छगन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, मैंने बीच बचाव की कोशिश की मगर। नरेश हाँ, तुम ऐसा करो, तुम जाके देखो क्या बात है। हाँ जी मैं देखता हूँ, चलो। क्यों झगड़ा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही तेरी? अगर यहाँ झगड़ा फसाद किया भगा दूंगा मैं यहाँ से, चल तू यहाँ से जा। सुना नहीं तूने? चल। छोटे बाबू मैंने कुछ नहीं कहा, इससे कामों का लड़ रहा मेरे से। तुमने सही किया कट्टो, टाइम से बता दिया। अगर हमें साइकिल चलानी आती ना तो और भी जल्दी पहुंचा देते खबर। हाँ सही कहा। बापू मैं शहर जा रही हूँ, और छगन मगन तुम दोनों कान खोल के सुन लो अगर तुमने दारू पी तो। अरे केक खरीदेगी?
भूल गए? 3 दिन बाद त्योहार है, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, जाना है बस आना है, खाना बना दिया है खा लेना। आज तो दिल में ही मैदान साफ होगा चाचा। संध्या वंदन का प्रोग्राम शुरू किया जाए। अरे ना भाई ना, कोई देखेगा तो के कहेगा। और फिर पता कट्टो शक्ति से मना करके गई है। वैसे भी चाचा कट्टो की बात तो तुम हमेशा मानते ही हो। अरे मेरी कट्टो, कहाँ चली अकेले अकेले? जहन्नुम में चलना है। चल रास्ता छोड़। छोटे बाबू। कट्टो शहर जा रही है? हाँ मुझे कुछ सामान लाना है। अच्छा आओ बैठो, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं छोटे बाबू, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। नहीं बैठो बैठो। नाम क्या बताया आपने अपना? अपना नाम है क्या? देखिए पढ़िए, कमानी खुला है। भाई चाचा आज तो संध्या वंदन बड़े इत्मीनान से हो गया। भाई अब क्या इरादा है? अब तुम दोनों जाओ जाओ। और तुम? हम इंतजार कर लेंगे, तुम जाओ। किसका? कट्टो का। करो जहर से ना आई। जाओ जाओ तुम जाओ। चल चल निकल ले। हाँ भाई चल निकल निकल। अच्छा राम राम। ठीक है मैं चलता हूँ। ये के बापू तुमने फिर पी ली?
देखो मैं शहर से कितना सारा सामान लेकर के आई हूँ। ये देखो बापू, ये लहंगा, ये सूट। पता है बापू, हमने बहुत सारी खरीदारी करी, बहुत घूमे। पता है बापू, ये छोटे बाबू ने हमें मोबाइल दिया है। बापू मैंने बहुत मना किया पर उन्होंने जबरदस्ती दे दिया। बापू, छोटे बाबू बहुत अच्छे हैं, भगवान उन्हें हमारी उम्र भी लगा दे। दिलावर, तू अगर जाना ही था मेरे साथ जाती। ए दिलावर, खबरदार जो मैं बेटी के बीच में बोलने की जरूरत थी। तू ज्यादा दखलंदाजी मत करे। हाँ तू जा। ये कपड़े, ये मोबाइल, क्या है सब गिरधारी? हे दिलावर, अरे जाना जा, अरे जाना। बड़ी देर कर दी, क्या कर रहे थे खेतों पर? शहर चला गया था। सुबह तो कोई बात नहीं थी शहर जाने की। क्या बात है, बड़ी इंक्वायरी हो रही है। अब मुझे पूछने का भी हक नहीं है। पूछने की बात नहीं है, इतना सब ठीक नहीं है ना। तुम्हें पता नहीं आजकल क्या होता जा रहा है, कहते कहीं की और चले कहीं और जाते हो। मतलब अब देखो ना, इस सॉरी साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली। एक तो बढ़िया एक चीज बाजार में आ रही, और जैसे मोबाइल, और जब चाहो जहाँ चाहो जिससे चाहो बात कर लो। सो तो है, लगता है मुंशी जी को भी मोबाइल चाहिए। अजी मैं इस सॉरी मोबाइल का क्या करूँगा, साहब कहना सुखी रहना। जरूरत तो है। अजी वो तो पूरी होगी। कैसे? अजी साहब कहना सुखी रहना, नरेश बाबू ने मोबाइल दिलवा दिया आपको। नहीं, कट्टो को। अब वो आसानी से अपनी सारी बात आपको यानी नरेश बाबू को पहुंचा देगी, और मारी सारी बात कट्टो के पास पहुंचेगी नरेश बाबू की मार्फत। वो आरी साइंस तुम्हें क्या चीज है, जब चाहो जिसते चाहो जहां चाहो बात कर लो, और जब चाहो जहां चाहो जिसते बात कर लो, जब चाहो जहां चाहो जिसते बात कर लो। सुनो, ये सिनेमा के दो टिकट, क्या मैं दूसरे साथी का नाम जान सकती हूँ? हाँ, राजेश। अच्छा, तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोल लूँ? सोच लो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हेलो। हाँ नरेश। हाँ राजेश। हाँ, अरे अहमदाबाद जाना कन्फर्म है ना? 100%। तू 4 बजे तक घर पे आ जा। अच्छा, और क्या, 6 बजे तो ट्रेन है। ठीक है ठीक है ठीक, ओके, मैं अभी आ रहा। ओके। हेलो। हाँ शालिनी भाभी, नमस्ते। एक्चुअली मुझे नरेश के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी राजेश। नरेश के बारे में? हाँ, तुम कल घर आ जाओ। आज तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं, मैं वापस आते ही आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ओके ओके, नमस्ते भाभी, बाय।
अरे गाड़ी कितने बजे की है नरेश? गाड़ी 6 बजे की है जी। चल ठीक है, ध्यान से जाइयो बेटा। ठीक है, अपने खाने पीने का ध्यान रखियो अच्छी तरह। ठीक है। हेलो। हाँ राजेश। हाँ मैं रास्ते में, बस आधे घंटे में तेरे घर पहुंच रहा हूँ। नहीं यार अब देर हो जाएगी, तू सीधा स्टेशन पहुंच। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाता हूँ। ओके। राजेश कैसे फोन किया? हाँ नरेश घर पे है क्या? क्या मतलब? वो आपके पास स्टेशन पर नहीं पहुँचे? वो तो काफी देर पहले अहमदाबाद जाने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। आप कहाँ पर हैं? मैं तो स्टेशन से वापस आ रहा हूँ, वो तो स्टेशन पहुँचा ही नहीं है। पहले फोन में बोल रहा था कि मैं पहुँच रहा हूँ और अब फोन ही बंद है। यानी वो तुम्हारे पास, मेरा मतलब स्टेशन पर नहीं पहुँचे?